Hey all, it's a bit of commerce वाला। आज हम बात करेंगे कैसे आपको प्रिपेयर करना है Google Cloud Career Fair के लिए जो कि 2023 में होगा। अब टॉपिक पे जाने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले समझ लेते हैं Google Cloud Career Fair के बारे में। ये यार सेकंड टाइम होगा, इससे पहले पिछले साल हुआ था, जब मैं गया था उसमें ये आईडी मिली थी और मेरा नंबर था 17। इस बार जिसको भी 17 मिले कमेंट करके मुझे बताना जब वापस आना तब। अब मैंने अप्रोक्सीमेटली पता करने की कोशिश करी है कि Google Cloud Career Fair कब होगा। तो ये कैसे, पिछली बार जो लास्ट डेट थी फॉर्म को सबमिट करने की वो इस बार है 25th October, पिछली बार थी 5th October, और फिर 5th October थी लास्ट डेट, और Google Cloud Career Fair हुआ था 11th November को, मतलब एक महीने 6 दिन बाद। ऐसे ही इस बार लास्ट डेट है 25th October, तो अगर वही वाला लॉजिक लगाएं, एक महीने 6 दिन वाला, तो हो सकता है कि 1 दिसंबर को Google Cloud Career Fair हो 2023 का बैंगलोर में। ये बस मैंने पिछली बार गूगल फॉर्म की लास्ट डेट और कब इवेंट हुआ था उसका दिमाग लगा के आपको बताया। शायद हो 1 दिसंबर को, या उससे पहले हो या उसके बाद में हो, जब भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब यह बात करते हैं आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में मेन पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी डिटेल वाली चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज ये जो काफी लोगों को नहीं पता होती है, सिर्फ क्लाउड की जॉब्स नहीं होती है, क्लाउड के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो डेवलपर वाली जॉब्स होती है वो भी होती है, उसके लिए भी कंपनीज हायर कर रही होती है। तो पहले बात करते हैं, अगर आप क्लाउड की जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, क्योंकि गूगल क्लाउड करियर फेयर है तो वही कंपनीज आएंगी जो गूगल क्लाउड को यूज करती है अपनी कंपनी में, सो ज्यादातर जो जॉब्स होंगी क्लाउड की उनमें रिक्वायरमेंट होगी कि आपको गूगल क्लाउड आना चाहिए, जो कि आई थिंक आपको आता होगा। तो बात करते हैं गूगल क्लाउड की। ऐसे ही आप बाकी क्लाउड प्रोवाइडर अगर आपको आता हो तो उसमें भी आप यही चीजें करिएगा। गूगल क्लाउड में आप सर्टिफिकेशन निकाले या ना निकाले, बट आपको सर्टिफिकेशन में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन आप निकाले या ना निकाले वो कोई बात नहीं, निकाल लोगे तो बेटर है, बट अगर ना निकालो क्योंकि यार वो काफी कॉस्टली होता है, तो आपको उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन का सिलेबस पता होना चाहिए, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से। पहली चीज ये। तो पहला सर्टिफिकेशन है गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर, उसको अच्छे से पढ़ लेना, पैसे अगर हो तो फिर आप पेपर दे सकते हैं, सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। उसका सिलेबस आपको आना ही चाहिए, वो आपको सही से रटाई होना चाहिए। उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन में आपको एक तरह से फाउंडेशन नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाउड इंजीनियर के लिए स्टार्टिंग वाले फाउंडेशन रोल के लिए क्लाउड में, जिसका नेम होता है क्लाउड इंजीनियर, आपको पहला सर्टिफिकेशन क्लाउड डिजिटल लीडर का और दूसरा एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर वाला, ये तो आपको निकालना ही होगा। निकालना ही होगा मतलब अगर आपके पास पैसे हो, क्योंकि उसकी कॉस्ट होती है $125, पहले वाले की होती है $100, तो अगर आपके पास पैसे हो तो आप निकालिए, पैसे ना हो तो उसको अच्छे से पढ़ लो, उसका जो सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ लो। बहुत फ्री रिसोर्सेज है जहां से आप पढ़ सकते हैं, कल ही मैंने वीडियो बनाई थी कहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर सर्टिफिकेशन के लिए। तो पहली चीज है क्लाउड की रिक्वायरमेंट होगी जो कि होगा गूगल क्लाउड, और उसमें ये दोनों सर्टिफिकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। थर्ड मोस्ट वन पॉइंट, फाउंडेशन नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में। किन चीजों के बारे में? पहली चीज डॉकर, आपको पता होना चाहिए डॉकर में क्या काम होता है, मतलब फाउंडेशन पता होना चाहिए इसमें होता क्या है। दूसरी क्यूबरनेटिस अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कंपनीज में इसकी डिमांड होती है। थर्ड है आपका टेराफॉर्म, फोर्थ है आपका जेंकिंस, उसी में CI/CD। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज। इन सब के बारे में फाउंडेशन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या काम होता है, वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। अब ये से मैंने मेन चीजों की बात करी, बाकी इस पर को वीडियो को जाके देख लेना, हाउ टू बिकम क्लाउड इंजीनियर, इसमें मैंने बाकी सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि लिनक्स के कमांड्स, नेटवर्किंग OS, तो ये सब भी आना चाहिए, बट अगर टाइम ना हो तो ये सब जरूर कर लेना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट कब तक होगा वो डेट भी मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है, तो उस हिसाब से प्लान कर लेना कैसे आपको पढ़ना है। और फिर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉपमेट की लिंक मिलेगी, जिसमें आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, मैं आपके लिए पर्सनलाइज रोड मैप वहां पे क्रिएट कर दूंगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो क्लाउड रोल्स के लिए नहीं जा रहे हैं, क्लाउड वाले जॉब्स के लिए नहीं जा रहे हैं, जैसे मानो सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो पहली चीज आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरी चीज एप्टीट्यूड भी आपसे करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर इंटरव्यू राउंड में, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि OS, DBMS, ये सब में भी एक दो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर पढ़ लेना यार, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। तो यार अपनी टू द पॉइंट वीडियो थी, अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।